ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ दे, ए तुम चलो, ए बगा टिकट बगा जाओ। 2023 में दस्तक देगी ये फिल्म? क्या इस बार भी कोई रीमेक गाना होगा फिल्म में? आखिर कब तक आएगी सूर्यवंशी 2? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रा स्टूडियोज। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मंगीशा आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्टारडम और एक्शन से भिड़ी मूवी सूर्यवंशी 2 से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। टिप टिप बरसा पानी सुनकर आपके दिमाग में पहला चित्र क्या उभरता है? वहीं पीली साड़ी पहने बारिश में नाचती रवीना टंडन, इसे बकायदा एक जनरेशन की यादें जुड़ी हुई है। जबरदस्त ऑल टाइम हिट गाना, अक्षय कुमार ने अपनी आ चुकी फिल्म सूर्यवंशी में इसे रिमिक्स कर इस्तेमाल किया था और हीरोइन भी कैटरीना कैफ। लोगों ने फिल्म ने सूर्यवंशी के नए रीमेक को लेकर मेकर्स को जमकर ट्रोल किया। इस पर रोहित शेट्टी ने कहा कि जो लोग 90s के टिप टिप बरसा पानी गाने के फैंस हैं, वो इसके रीमेक का विरोध कर रहे हैं। वो अपनी जगह ठीक भी है। हमने कोशिश की है कि गाने का टेस्ट बरकरार रहे, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि कभी कभी दाम उल्टे भी पड़ जाते हैं। टिप टिप बरसा पानी एक बेहतरीन गाना है और हमने इसे नई जनरेशन के हिसाब से रीमेक किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है दर्शकों की, क्या इस बार इसके सीक्वल में भी कोई रिमिक्स होगा? क्योंकि क्या है कि इतने ट्रोल होने के बाद हमें नहीं लगता कि कोई गाना अब रिमिक्स होगा, और इन केस हुआ भी तो मेकर्स को ध्यान में रखना होगा कि जिस भी गाने का रिमिक्स वो कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसमें वही एक्ट्रेस और एक्टर शामिल हो। क्योंकि क्या होता है कि लोगों के मन में हर गाने को लेकर एक छवि होती है और वो उससे वैसे ही देखना और सुनना पसंद करते हैं। तो दर्शकों, इस मूवी में रिमिक्स होगा कि नहीं, ये मसाला 50-50 पर आके अटका हुआ है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर इस फिल्म की बात करें तो फिल्म सूर्यवंशी रोहित शेट्टी की फ्लॉप यूनिवर्स की 4th फिल्म होगी। इस फिल्म से पहले रोहित ने सिम्बा और सिंघम 2 जैसी हिट फिल्में बनाई हैं, और सूर्यवंशी तो हाल ही रिलीज हुई है और इसमें अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, जैकी श्रॉफ के साथ साथ अजय देवगन और रणवीर सिंह गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे। फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया था। क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी थी। फैंस भी अक्षय कुमार को एक बार फिर पुलिस के अवतार में देखकर खुश हो उठे थे। बता दे दर्शकों की मूवी कैटरीना के अलावा बाकी सारे कलाकार वही होंगे, बस टाइमिंग सबकी बदल जाएगी। जैसे इस मूवी में अजय गेस्ट अपीयरेंस में आए थे, वैसे ही अक्षय कुमार इसमें कैमियो करते नजर आ सकते हैं, जो बस गुंडा और बदमाशों से लड़ाई करने के लिए अजय का साथ देगा। अगर स्टंट की बात करें तो कुछ समय पहले अक्षय कुमार ने अपने बाइक स्टंट को लेकर काफी इमोशनल बयान दिया था। इसकी शूटिंग के बाद कहा कि उन्होंने अपना स्टंट खुद करना अच्छा लगता है। अक्षय ने कहा, बैंकॉक की सड़कों पर स्टंट करना मेरे लिए बहुत खास रहा। कुछ समय पहले मैं खाना डिलीवर करने के लिए बाइक चलाता था और अब फिर से अपनी जीविका के लिए वही कर रहा हूँ। रोहित शेट्टी ने अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ इस फिल्म का हिंट अपनी पिछली रिलीज सूर्यवंशी में ही दे दिया था। फिल्म जहां एक तरफ अजय देवगन कैमियो करते नजर आए थे, फिल्म के निर्माता करण जौहर हैं। मूवी की रिलीज की अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है। दर्शकों, उम्मीद है कि ये मूवी 2023 के आखिर तक रिलीज होगी। लेकिन अगर रोहित शेट्टी के बोल से बोले तो कब आ रही ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे आ रही है वो देखो। वेल दर्शकों, अब इसी के साथ खत्म करते हैं बातों का सिलसिला। लेकिन आप बस हम पर एक मेहरबानी करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।